Hello guys, welcome back to my channel. And if you are new, subscribe. By the way, hi, this is Pallavi Arya, and do like this video, enjoy this video, share with your friends, and also tell me in the comments how you like the concept. And video ke title se to aap samajh hi gaye hain what the video is all about. So ये पूरा तामझाम कर रखा है मैंने, लाइट यहाँ पे चल रही है मेरी, पूरा रूम अंधेरा कर रखा है ताकि आपको थोड़ी एक वाइब मिल जाए उसकी, जो मैंने वीडियो में आगे दिखाया है, बताया है, सिखाया है शायद. एंड आई होप यू लाइक इट, बिकॉज बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपली और बहुत ही ईजिली मैंने आपको बताया कैसे हाउस होल्ड चीज़ों से यू कैन ईजिली मेक योर पोर्ट्रेट्स, वर्क विद देम, हैव फन विद देम, यूज़ देम. मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें ली हैं, बहुत ही बेसिक. अभी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके घर में ऐसे फेंकी हुई रहती हैं, पड़ी हुई रहती हैं. मैंने उन्हीं चीज़ों को उठाकर पोर्ट्रेट्स क्रिएट किए हैं, कोशिश की है, और आई होप कि आपको वो पसंद आए. और जो ये लाइट है यहाँ पे ठीक मेरे सामने रखी हुई है, उससे ये पूरा ऐसा बनाया. मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, बिकॉज आप हमेशा एक ही चीज़ देखकर थोड़े बोर हो जाओगे. तो मैंने सोचा कि अभी कुछ डिफरेंट ही कर लेते हैं जब ये हुजूर यहाँ पे सामने पड़े हैं तो. और इसलिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और सिर्फ इसको चला के रखा है, थोड़ा सा वैसा फील, वैसा टच देने के लिए. और ये पूरी वाइब मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. मे बी मैं किसी और वीडियो में भी ऐसे करने की कोशिश करूँ. एंड विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. Firstly, we will begin with books. बुक्स आप सबके पास होती है, ज़रूरी नहीं कि कोई नॉवल हो तभी फोटो अच्छी आएगी. कोई भी बुक ले लो, कॉपी ले लो, इवन न्यूज़पेपर ले लो, एंड यू आर गुड टू गो. मल्टीपल वेज हैं, आप किसी भी तरह से ले सकते हो. मैंने क्या किया है कि मैंने अपने बेड में चार पांच बुक्स रख ली, उसके ऊपर से मैंने पिक्चर्स लेने की कोशिश की है. एंड दिस इज हाउ दे टर्न्ड आउट. आप जब भी फोटो लो, एडिटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन योर पिक्चर्स. जो दूसरा मैंने आपको दिखलाया है दैट इज विथ मनी प्लांट्स, ये फेक है, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, बट आप रियल भी यूज कर सकते हो. मेरे घर पर रियल भी थे बट मुझे मन नहीं किया उनको जाकर तोड़ने का, इसीलिए मैंने फेक वाले यूज किए हैं. आप चाहो तो रियल भी यूज कर सकते हो. एंड गाइज, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप फोटोज लेते हो, अगर आपके आसपास में प्लांट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी लुक, किसी भी पिक्चर, किसी भी वीडियो को एनहांस कर देते हैं. दे लुक सो एस्थेटिक, सो पॉलिश्ड कि आपकी पिक्चर में चार चांद लग जाते हैं बिकॉज ऑफ प्लांट्स, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन वाइब गोइंग ऑन. फिर मैंने आगे जो शूट्स दिखलाए हैं वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक प्रॉप से है, लाइक दुपट्टा, स्कार्फ, शॉल, मफलर, आप कुछ भी ले सकते हो. और आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इसको बहुत इजीली करना जानते होंगे. और ये डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी पिक्चर आती है, बट बिकॉज मेरे रूम में डायरेक्ट सनलाइट का सोर्स नहीं है तो मैंने अपना रिंग लाइट यूज़ कर लिया. बचपन में आपने बहुत सारे कार्ड्स लिए होंगे, मेरे पास KBC का भी है बट मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने यही वाले ले लिए, आप कोई भी ले सकते हो. एंड ये भी बहुत बेसिक है. फिर मैंने जो नेक्स्ट प्रॉप लिया है वो मेरे पास एक पतली सी रिंग थी, तो मैंने उसको यूज करके थोड़ा सा क्रिएटिव कर लिया और मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा बिकॉज इसमें एक मैंने एडिटिंग करके फायर डाल दिया है. आई एम लविंग दैट. फिर आप देखोगे कि मैंने लिया है एक कैसेट जो बहुत पहले से मेरे घर में रखा हुआ था, और ये भी मेरे किसी गेम की कैसेट है. आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो, बिकॉज आज के टाइम पे कोई कैसेट यूज करता नहीं है, तो इट गिव्स दैट विंटेज वाइब, एंड दैट्स व्हाई आई ग्रैब दिस एंड टुक अ पिक्चर फ्रॉम इट. नेक्स्ट वाला लुक जो है ये मुझे करते वक्त इतना फनी लग रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी क्योंकि मैंने बालों में इधर उधर सब तरफ पेन फंसाए थे, कलर पेन्स. ये पिक्चर्स इतने प्यारे, इतने सेक्सी लग रहे हैं कि आई वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे टर्न आउट होंगे. एंड सी, फिर नेक्स्ट तो आपने देखा है जो कपड़े के अंदर पतला सा कार्डबोर्ड पेपर आता है, मैंने उसी को बीच में से कार्ड पार्ट दिया एंड आई टुक अ पिक्चर फ्रॉम दैट. तो आप सोचो कि कितनी इजीली आप कितनी क्रिएटिव पिक्चर्स ले सकते हो, क्रिएटिव फोटोग्राफी कर सकते हो, पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको आपके घर पर मिल जाएंगी. और अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो
इसका पार्ट टू भी बना सकती हूँ बिकॉज मेरे पास अभी एम्पल ऑफ आइडियाज है. इफ यू वॉन्ट दैट आई श्योरली श्योरली मेक पार्ट टू ऑफ इट. देन द नेक्स्ट वन इज विद द रिंग लाइट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास रिंग लाइट हो, आप फेरी लाइट भी यूज कर सकते हैं. मेरे पास रिंग लाइट थी और मुझे ऐसे पिक्चर्स लेने में बहुत मजा आता है, तो मैंने एक ऐसी पिक्चर भी ले ली और आपको दिखाई है. आप इसकी जगह पे फेरी लाइट्स यूज कर सकते हो, नॉर्मल दिवाली लाइट्स यूज कर सकते हो, कैंडल यूज कर सकते हो. सो द लास्ट वन इज फ्रॉम द एलईडी लाइट जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था. गाइज ये इतना सुपर्ब है, इतना सुपर्ब है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी. अभी आप खुद देखोगे, इतना मजा आया मुझे इस पे शूट करते हुए, इतना मजा आया. आप चाहो तो आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह से मंगा सकते हो और बहुत ही प्यारा लगता है ये. स्पेशली अगर आपके घर पे कोई पार्टी है, आपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, बर्थडे है, या आपको कोई वीडियो बनानी है जिसमें आपको स्टेज इफेक्ट चाहिए, तो आप ये बहुत ही इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं. द होल वाइब टर्नड आउट सो डिफरेंट ऑल थैंक्स टू द एलईडी लाइट दैट आई हैव. एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट इट. आप कुछ भी लेकर इतने क्रिएटिव फोटोज ले सकते हो, वो आपको भी पता चलेगा जब आप करना शुरू करोगे. सो स्टॉप वरिंग, स्टार्ट डूइंग. And yeah, that's it. Bye. And with this, we come to the end of the video, guys. I hope you like it. I hope you enjoyed it. If you did, please comment down below. And आपको ये कैसा लगा प्लीज मुझे बताना, मुझे बहुत मजा आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कॉन्सर्ट में हूँ और पूरी लाइट मुझ पर फोकस हो रही है, तो आई एम एंजॉइंग दिस. एंड प्लीज इफ यू एंजॉयड, comment down below. If you want any tips and tricks, comment down below because I need to know what you want, then only I can make videos on it. And also if you need the editing tutorials of the pictures, I'll definitely make the videos, but comment. Also share, subscribe, like, and you can follow me on Instagram also because there I have made so many portraits, so many photo shoots. So yeah, check that out. Aur main milti hu aapse next video mein, tab tak ke liye take care and bye.